अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल ए जे इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज मैं आपको वोइंग एक्चुएटर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि हाई स्पीड मशीन पे ये लगा हुआ होता है, हाई स्पीड पैकिंग मशीन पे, जो कि वज़न को ऑटोमेटिक तरीके से वज़न करके मशीन को ये देता है पैकिंग करने के लिए। तो ये दोस्तों बहुत ही एक तो ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक को आप समझें, और इस सब पहले मैं इसको आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, ये किस तरह ऑपरेट करता है। उसके बाद ये किस तरीके से इसको हम रिपेयर करेंगे, इसकी ख़राबी को किस तरीके से हम समझेंगे, हर चीज़ को मैं आपको तफसील से बताऊँगा। तो पहले मैं आपको पावर अप करके दिखाता हूँ इसको, कि पावर अप के बाद इसके किस किन किन चीज़ों को मूव करना चाहिए और किस तरह मूव करना चाहिए। मैं इसको पहले पावर अप करता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको पावर अप करके आपको चेक कराता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इसका केम है, ये केम ऑपरेट होना चाहिए। ये दो केम पे इसके बॉकेट लगे होते हैं, ये बॉकेट के जरिए वज़न करता है। ये वज़न, ये भी केम है, इसके ऊपर एक बॉकेट होता है, इस पर एक बॉकेट, इस पर एक बॉकेट, ये तीन बॉकेट लगे हुए होते हैं। इस बॉकेट के जरिए से ये वज़न को लेता है, फिर ले के वो इस बॉकेट में देता है, फिर इस बॉकेट के जरिए जाता है। ये तीनों केम को ऑपरेट होनी चाहिए। अब मैं चेक करके देखता हूँ इसमें ख़राबी क्या है। पहले मैं ऑपरेट कराता हूँ ये मैनुअल तरीके से चेक करने के लिए। देखें दोस्तों, इस तरफ जो है एक बटन दिया हुआ है, ये बटन के जरिए आप मैनुअली इसको चेक करके देख सकते हैं। जब इसे आप प्रेस करेंगे, देखिए ये चल रहा है, ये देखें दोस्तों ये चल रहा है, ये मूवमेंट नहीं देखें इसकी आप। दोस्तों ये सिर्फ एक ही चल रहा है, जबकि एक चल रहा है, इसको भी चलना चाहिए, इसको भी चलना चाहिए, ये नहीं चल रहा है। इसका मकसद है कि इसके अंदर ख़राबी है। तो अब इस ख़राबी को हमने इसको दूर करना है। दूर करने के लिए किन किन चीज़ों पे काम करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये देखें, ये इसके अंदर सर्किट है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसके साथ। ये देखें, ये मोटर ड्राइव कार्ड लगा हुआ है, ये मोटर ड्राइव कार्ड है। अंदर दो मोटर लगी हुई हैं इसकी, एक मोटर ये है, एक मोटर इसके नीचे है। ये इसका मदरबोर्ड है, मैं मदरबोर्ड को खोल कर भी चेक करूँगा, चेक करके देखूँगा कि आया इस मदरबोर्ड के अंदर क्या ख़राबी है, क्यों नहीं चल रहा। फिर ख़राबी दूर करके मैं आपको चला के दिखाऊँगा कि बिल्कुल ये सही स्मूथ चलना चाहिए। तीनों इसकी लीवर को ऑपरेट होनी चाहिए, जब तीनों लीवर ऑपरेट होगा फिर दोस्तों ये समझ लें कि आपका ये एक्चुएटर बिल्कुल सही हो गया। इसके अंदर दोस्तों एक लोड सेल लगा हुआ था, आप ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये लोड सेल के जरिए से ये वज़न को देखता है। ये लोड सेल है, ये देख लें दोस्तों, ये लोड सेल है, ये लोड सेल के जरिए वज़न करता है। ये वज़न करके पहले बताया मैंने आपको, इस बॉकेट में देता है, इस बॉकेट से फिर इस बॉकेट में आता है, फिर ये बॉकेट के जरिए मशीन पे चला जाता है। ये बहुत ही हाई स्पीड तरीके से वज़न करके मशीन को सप्लाई करता है। कोई भी प्रोडक्ट, लिक्विड हो या फिर ड्राई हो, मसलन दाल चावल, खुश्क दूध, और कोई भी ऐसी लिक्विड या ड्राई जो है इक्विपमेंट आइटम को ये हाई स्पीड तरीके से बहुत ही फास्ट वज़न करके मशीन को देता है, और मशीन जो है ना उसको पैक करती है। तो दोस्तों ये कि बहुत ही अहम है, तो इसको आप एंड तक देखिएगा, बीच में आप दरमियान में इसको स्किप नहीं करिएगा दोस्तों। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं आपको अभी डिसमेंटल करने का तरीका बताऊंगा कि डिसमेंटल किस तरीके से करते हैं इसका कार्ड को। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको डिसमेंटल करके दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये देख लें कि ये इसके मदरबोर्ड को इस तरीके से डिसमेंटल करके बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। इसके जो कनेक्शन थे ये देखें, ये मैंने कनेक्शन को डिसमेंटल कर दिया। इसके दूसरी तरफ भी कनेक्शन है, इस तरफ भी कनेक्शन देख लें आप। ये जो कनेक्शन है, ये सारे कनेक्शन को मैंने डिसमेंटल कर दिया, डिसमेंटल करके मैंने इसको बाहर निकाला है। ये देखें, ये इसका बेसिकली दोस्तों ये मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे अब हमने काम करना है, चेक करना है। बेसिकली ज़्यादातर जो है दोस्तों मैंने यही अब तक जो काम किया वही देखा है कि ये जो रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस एरे हैं 10K और 200 ओम्स के। इन रेजिस्टेंस एरों को मैं अभी चेक करूँगा, चेक करके मैं अभी इसको रिप्लेस करके देखूँगा, फिर मैं आपको चला के इसको अपडेट करके दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए एक ये स्टेपर मोटर है, एक ये स्टेपर मोटर है, ये दो मोटर स्टेपर मोटर इसके अंदर है, और ये लोड सेल है। ये देखिए इसके अंदर लोड सेल फिट है,
जब मैंने आपको लोड सेल का बताया था, ये लोड सेल के केबिल है। सही है दोस्तों, ये लोड सेल को एक दफ़ा इधर से देख लें आप दोबारा। ये देखें दोस्तों, ये लोड सेल है, ये लोड सेल है, ये लोड सेल का ये कनेक्शन इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। और ये आपको बताया था कि मोटर ड्राइव कार्ड है, और ये वाइब्रेटर को ऑपरेट करता है, जो वाइब्रेटिंग के जरिए से पाउडर या लिक्विड आइटम को जो भी हो जो बॉकेट में इसे फिल करने के लिए ऑपरेट होता है, ये उस कार्ड है, वाइब्रेटर का कार्ड है। और ये दो अलग से दो पावर सप्लाई है, एक ये पावर सप्लाई है, एक ये पावर सप्लाई है, ये दो पावर सप्लाई है 220 से 24 वोल्ट। सही है दोस्तों, तो अब मैं इस कार्ड को आपको ये देख लें, ये मदरबोर्ड है इसकी, इस तरफ भी देख लें, ये इसका प्रोसेसर है दोस्तों, इसका प्रोसेसर है, ये एक प्रोसेसर है, ये इसका रैम है। अब इसको देख लें दोस्तों, गौर से देख लें इस कार्ड को। अब इस कार्ड में हमने काम करना है, इस कार्ड का चेक करनी है तो मुकम्मल तरीके से चेक करूँगा मैं, चेक करके देखूँगा जिसका मैंने बताया आपको, उसके बाद मैं अपडेट करके इसको आपको मैं दिखाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इसका ड्राइंग दिखा दें, ये देख लें दोस्तों, ये इसका मैंने ब्लॉक ड्राइंग बना के रखा है, ये ब्लॉक ड्राइंग है, ये इसका कनेक्शन है, ये कनेक्शन को आप देख लें यहाँ पे, ये यहाँ से इसके ज़रिए से कनेक्शन को देते हैं, ये कनेक्शन का मैंने ये बनाया हुआ ड्राइंग, ये ड्राइंग को आप देख लें। ये मदरबोर्ड के जरिए एक ट्रांसफार्मर है 220 से ये 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर सप्लाई है इसके अंदर, और ये सारे जो कनेक्शन मैंने मदरबोर्ड से जो डिसकनेक्ट किए हैं, जो वो कनेक्शन है मदरबोर्ड पे, और ये सारे कनेक्शन इसी मदरबोर्ड के। और ये जो पुश बटन है, देखा दोस्तों मैंने पुश बटन को जो मैं प्रेस कर रहा था, इस पुश बटन के ज़रिए से ये 9 कोर केबिल है, वो केबिल इस मदरबोर्ड पे आके कनेक्ट होता है, जिसके ज़रिए से ऑपरेट कर रहा था मैं मैनुअल तरीके से। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके मदरबोर्ड में चेक करके मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या फॉल्ट है। तो ये देखें, इसके मदरबोर्ड से मैंने ये आईसी को चेंज किया है, और ये 1, 2, 3 रजिस्टर को मैंने चेंज किया है, ये रेजिस्टेंस एरे है। ये देखें, ये जो रेजिस्टेंस मैंने आईसी जो चेंज किया मैंने, ये यहाँ है, ये इसके देख लें आप, ये रेजिस्टेंस इनको मैंने चेंज किया, ये तीन को मैंने जो बताया आपको, इसमें फॉल्ट था, और इस फॉल्ट की वजह से ये स्टेपर मोटर को नहीं चला रहा था। ये इसका मेन मदरबोर्ड है, इसके अंदर भी जो ख़राबी होती है ज़्यादातर वो इन रेजिस्टेंसों को होती है, या फिर ये प्रोसेसर की होती है। ये आपने इसको चेंज करना है डायग्नोस करके, और चेंज करने के बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इस कार्ड को इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल करके फिर मैं आपको पावर अप करके चला के दिखाऊँगा इसको। ये कार्ड को इस तरह दोबारा आपने इंस्टॉल कर देना है इसके अंदर, और ये कनेक्शन वगैरह को आपने कर देना है दोबारा। ये लोड सेल का कनेक्शन है, और जो जो कनेक्शन आपने खोले हैं, ये सारे कनेक्शनों को दोबारा आपने अपनी जगह कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें मैं इसको पावर अप करने लगा हूँ। ये पावर अप की केबिल है, इस केबिल को मैं अब लगा रहा हूँ इसके साथ। ठीक है दोस्तों, इसको मैं अब, हाँ तो दोस्तों देखें, मैंने इसके मदरबोर्ड को इंस्टॉल कर दिया है, और इसका ओके होने की पहचान ये है कि ये देखें दोस्तों, इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है यहाँ पर। ये ग्रीन लाइट अगर ऑन हो, ये वाली ग्रीन लाइट, तो आप ये समझे कि ये आपका एक्चुएटर बिल्कुल ओके है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एक्चुएटर को हमने किस तरह चेक करना है, और किस तरह फॉल्ट को डायग्नोस करना है, और फिर डायग्नोस के बाद किस तरीके से दोबारा इसको इंस्टॉल करना है। तो ये मुकम्मल तरीके आपको बता दिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।